से तो हमारे मालेगांव शहर में इतने हादसात होते हैं, शायद यहाँ बड़े बड़े टापू समुद्र है वहाँ भी नहीं होते। तो हमारे शहर को चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इनके सरपरस्तों की है, मालेगांव शहर के जो सरपरस्त हैं माँ बाप, अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर हादसा हो जाता है फिर बच्चों पे ध्यान देते हैं, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे शहर के सरपरस्तों की है कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। स्कूल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है कि हमारे स्कूल का बच्चा दरमियानी से भाग के गिरना पे गया तो उन्हें देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे शहर के जो मीडिया है, ये हमारी शहर की मेरी तरफ से अपील है मालेगांव कॉरपोरेशन फायर ब्रिगेड की तरफ से कि हमारा शहर अक्सर हादसा होने बाद ही क्यों इतना चिल्लाट शोर मचाता है, पहले से ही अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। मेरा तो यही मुतालबा है हमारे जिम्मेदार से, हमारे कॉरपोरेशन कॉरपोरेटर महापौर आमदार की इस बारे में कुछ ऐसा एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए मेरे हिसाब से कि जब जब पानी आए गिरना नदी पे एक स्क्वाड फायर ब्रिगेड की तरफ से रहे, पुलिस प्रशासन की तरफ से रहे, प्रांत का भी इसमें योगदान होना चाहिए क्योंकि उनके अंडर में आता है। अगर ये सब रेती माफिया पानी नहीं रहते, जब रेती इतना निकाल लेते हैं कि घड़ा हो जाता है। नयाल भाई, नयाल भाई, सभी मौजूद है, कारपोरेटर हजरात है, सोशल फील्डों पर जो काम करते हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे अभी शकील भाई ने बोले कि ये हमारे साथ उनके जो भी बच्चे सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि बारिश का मौसम आते हैं नदी में खतरा है क्या है ना, इतना ही गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, यहाँ मौजूद कारपोरेटरों ने, शकील तैराक ने, यहाँ पर मौजूद कारपोरेटरों ने, शकील तैराक ने यहाँ मुतालबा किया, कई लीडरों से मुतालबा किया, कई पुलिस वालों से मुतालबा किया, कई सरपरस्तों से मुतालबा किया। मैं मीडिया की जानिब से आज एक मुतालबा करना चाहता हूँ कि मालेगांव का वाटर टाइगर, पानी का शेर शकील तैराक, जिसने हजारों लाशें निकाल लिए, कारपोरेशन को इसकी सिक्योरिटी के लिए भी इंतजाम करना चाहिए और इनका भी प्रमोशन कर दिए चाहिए। इनके लिए एक मरतबा तालियाँ बजा दीजिए।